दोस्तों चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं जीके के चुनिंदा बेहतरीन सवालों का वीडियो। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला सवाल, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? आपके ऑप्शन हैं: ए सरदार पटेल ने, बी महलनोबिस ने, सी दादा भाई नौरोजी ने, डी वी के आर वी राव ने। आपका जवाब होगा ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी। दूसरा सवाल, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर है? आपके ऑप्शन हैं: ए प्राकृतिक संसाधन, बी बाजार का आकार, सी पूंजी निर्माण, डी उपर्युक्त सभी। आपका जवाब होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तीसरा सवाल, WTO का मुख्यालय कहाँ है? आपके ऑप्शन हैं: ए न्यूयॉर्क में, बी जेनेवा में, सी उरुग्वे में, डी दोहा में। आपका जवाब होगा ऑप्शन बी जेनेवा। चौथा सवाल, मुद्रा आपूर्ति कौन नियंत्रित करता है? आपके ऑप्शन हैं: ए वित्त आयोग, बी योजना आयोग, सी व्यापारिक बैंक, डी भारतीय रिजर्व बैंक। आपका जवाब होगा ऑप्शन डी भारतीय रिजर्व बैंक। पांचवा सवाल, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं: ए होगेनक्कल प्रपात, बी शिमला प्रपात, सी जोग प्रपात, डी कोटालाम प्रपात। आपका जवाब होगा ऑप्शन सी जोग प्रपात। छठवां सवाल, भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं: ए तमिलनाडु को, बी आंध्र प्रदेश को, सी कर्नाटक को, डी केरल को। आपका जवाब होगा ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। सातवां सवाल, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? आपके ऑप्शन हैं: ए नागासाकी में, बी हांगकांग में, सी टोक्यो में, डी हिरोशिमा में। आपका जवाब होगा ऑप्शन डी हिरोशिमा में। आठवां सवाल, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? आपके ऑप्शन हैं: ए आयन मंडल में, बी बाह्य मंडल में, सी क्षोभ मंडल में, डी समताप मंडल में। आपका जवाब होगा ऑप्शन डी समताप मंडल में। नौवां सवाल, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? आपके ऑप्शन हैं: ए अरविंद घोष, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी बाल गंगाधर तिलक, डी लाला लाजपत राय। आपका जवाब होगा ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले। दसवां सवाल, डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन हैं: ए वायु से, बी भूमि से, सी ध्वनि से, डी जल से। आपका जवाब होगा ऑप्शन सी ध्वनि से।
सवाल नंबर 11, मोदी जी चाय कहाँ बेचा करते थे? आपके ऑप्शन हैं ए बस स्टैंड में, बी रेलवे स्टेशन में, सी चौपाटी में, डी फेरी लगाकर। आपका जवाब होगा ऑप्शन बी रेलवे स्टेशन में। सवाल नंबर 12, भारत में सर्वाधिक वेतन पाने वाला व्यक्ति कौन है? आपके ऑप्शन हैं ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी मुकेश अंबानी, डी कावेरी कलानिधि। आपका जवाब होगा ऑप्शन बी कावेरी कलानिधि। सवाल नंबर 13, भारत में सबसे ज्यादा वेतन पाने वाले सरकारी अधिकारी कौन हैं? आपके ऑप्शन हैं ए IAS, बी IPS, सी CJI, डी राष्ट्रपति। आपका जवाब होगा ऑप्शन डी राष्ट्रपति। सवाल नंबर 14, भारत में सबसे अधिक कर्जदार व्यक्ति कौन है? आपके ऑप्शन हैं ए गौतम अदानी, बी अनिल अंबानी, सी नीरव मोदी, डी अनिल अग्रवाल। आपका जवाब होगा ऑप्शन बी अनिल अंबानी। सवाल नंबर 15, भारत का सबसे अधिक कर्जदार प्रदेश कौन है? आपके ऑप्शन हैं ए मध्य प्रदेश, बी पंजाब, सी राजस्थान, डी उत्तर प्रदेश। आपका जवाब होगा ऑप्शन बी पंजाब। सवाल नंबर 16, विश्व का ऐसा कौन सा देश है जो कर्ज मुक्त देश है? आपके ऑप्शन हैं ए भारत, बी अमेरिका, सी हांगकांग, डी इंग्लैंड। आपका जवाब होगा ऑप्शन सी हांगकांग।